खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति की परिस्थिति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी देख रहे हैं अब वहां क्या स्थिति बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और ये अच्छी परंपरा नहीं है। मेरी दृष्टि में वहां भी हॉर्स ट्रेंडिंग ही हो रही है। वहीं सीएम ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और अब महाराष्ट्र में ये बहुत ही अशुभ संकेत है। देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में वो ही सरकारें बनाती है और वो ही घर भेजती हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अब हिंदुत्व के नाम पर जो ये नारा दिया हुआ है उसके नाम पर सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन साथ में अन्य प्रॉब्लम्स भी हैं। पर फिर चर्चा में है महाराष्ट्र में जो स्थिति है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के पास कोई जादू है कि उसको रोक देते हैं, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर स्टेट की परिस्थिति अलग अलग होती है। वहाँ की परिस्थिति आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर ही, अब वहाँ क्या स्थिति बनती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पर ये अच्छी परंपरा नहीं है। मेरी दृष्टि के अंदर वहाँ पे भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बीजेपी पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में, ये बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, बहुत ही अशुभ संकेत है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। और पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए। पब्लिक ही माई बाप होती है, लोकतंत्र वही सरकार बनाती है और वही घर बेचती है, उनके ऊपर है वो किस रूप में देखते हैं। अब हिंदुत्व के नाम पर जो ये नारा दिया हुआ है, तो लोग हिंदुत्व के नाम पे इनको सपोर्ट करने लग गए, पर साथ में अन्य प्रॉब्लम भी तो है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, सेना के अंदर ये जो अग्निपथ लेके आए हैं एक नया प्रयोग है, सबको पूछ के करते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, रिटायर्ड अफसरों को जनरल करने को पूछते तो और अच्छे ढंग से स्कीम लागू हो सकती थी, उसको भी बना दे कॉन्ट्रोवर्सी में। तो ये जो गवर्नेंस हो रही है दिल्ली में, ये सबको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को जिस रूप में मिस यूज कर रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सब लोग घबराए हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम को लेकर भी जो राजनीति हो रही है वो भी खतरनाक ही है, क्योंकि हिंसा जो होगी तो विकास नहीं होगा। और हर कस्बे में, हर गली में, मोहल्ले में हिंदू मुसलमानों के बीच में भय हो गया है, जिसकी जहाँ मेजोरिटी